चिकन बना सिर्फ पापा जी के लिए, क्योंकि पापा 2 महीने से चिकन नहीं खा पाए हैं। उनकी तबीयत जब 2 महीने पहले ख़राब हो गई थी तो उनको उस डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। पहले एक बार ख़राब हुई तो उनका पेट की दिक्कत थी, फिर अदरवाइज दूसरी प्रॉब्लम। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो इस सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं उठ गया था, 7 बजे तो उठ ही गया था। मुझे कुछ आप लोगों को दिखाना था लेकिन मैं उठने से पहले वो चला गया। एक्चुअली बात यह है कि आज सुशील का एग्ज़ाम है तो मेरे उठने से पहले ही वो चला गया, 7 बजे, 6 बजे ही चला गया था। मुझे लगा शायद सेकंड मीटिंग एग्ज़ाम होगा लेकिन सुबह मतलब उसको है 11 11 बजे से एग्ज़ाम है। मुझे पता नहीं किस चीज़ का एग्ज़ाम है, पर इतना पता है कि कानपुर में एग्ज़ाम है और वो चला गया है। मुझे लगा कि जल्दी मैं उठ जाऊँगा तो शायद सेकंड टाइम होगा तो देर से जाएगा 10 11 बजे तक, लेकिन उसको तो इतने बजे से एग्ज़ाम ही है, 10 11 बजे से, 11 बजे शायद एग्ज़ाम है, तो वो तो 6 ही बजे निकल गया। अब बाइक से पता नहीं कैसे गया, कौन कौन गया पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरे सोने मतलब उठने से पहले वो चला गया। और गुड्डू भी आज वो भी चला गया कानपुर, उसका तो मुझे नहीं पता क्यों गया क्या। और वो तो अपने दोस्त के साथ 4 बजे से, वो तो और पहले चला गया 4 बजे, मम्मी ने बताया कि 4 बजे चला गया, 4 4:30। अब वो किस लिए गया वो भी मुझे नहीं पता क्योंकि बताया नहीं मुझे। मुझे इतना पता था कि सुशील जाएगा क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, गुड्डू को नहीं पता था गुड्डू। तो फिलहाल अभी 8:30 बज रहा है, अभी मैं रेडी होना है और पापा जी भी आ गए हैं। पापा जी आ गए तो वो नाम लिख रहे हैं पेशेंट का, अगर वो नहीं आए होते तो मुझे जाना होता और मुझे और पहले मतलब मुझे पहले ही जाना होता, मतलब 8:30 बजे से पहले मुझे तैयार एकदम नहा धो एकदम रेडी होकर फिर जाना पड़ता नाक लिख, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता। 9 बजे डॉक्टर बैठ जाते और फिर मैं उधर वापस आता। और पापा भी आ गए क्योंकि पापा आ गए थे परसों रात में क्योंकि आज उनको काम है, उनको मतलब RTO ऑफिस में काम, क्योंकि आज उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल होना है। मतलब उनकी डेट आज की मिली है तो 10 बजे से 12 बजे के बीच उनकी डेट है। मैं तो पहले जाना था मुझे साथ में लेके, क्योंकि मेरा दोस्त वहाँ काम करता है RTO ऑफिस, उसे कराना था। लेकिन अब सुशील है नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता क्लिनिक से, क्लिनिक छोड़ के, और मुझे क्लिनिक वास्तव में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अकेले मैं और राकेश रहेंगे, राकेश बाहर का संभालेगा, मुझे मैं अंदर का, और मुझे दो दो काम तीन तीन काम आज एक साथ करने पड़ेंगे। तो वही पापा जी तो नाम लिख रहे हैं। अच्छा चलिए मैं भी रेडी हो जाता हूँ क्योंकि 8:30 9 बजने वाला है, मुझे भी जल्दी निकलना है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की डिटेल बताऊँगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मैं नहा लेता हूँ। फाइनली 9:15 हो रहा है, देर हो गई, डॉक्टर तो जा चुके हैं और मैं रेडी हो गया, अभी जस्ट रेडी हो गया हूँ। तो अभी नाश्ता करना बाकी है और पापा जी भी आ गए हैं अपना नाम वाम लिख के, लेटर में वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं। आज का मेरा नाश्ता है पराठा, अचार और चाय। और कुछ था आज के दिन? चेंज है मेरी वॉलेट देखी जा रही है, ये उधारी मांगा जा रहा है, पापा जी उधारी मांग रहे हैं 2000। उधारी नहीं मांगे, अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे क्या? उधारी तो पहले बोल देते हैं ना, बोले तो काम ना बने। अब पापा जी कै बजे पापा जाओ? 10 बजे ना? चेंज है का? अब चेंज नहीं रहते मेरे पास। देखो कानपुरिया आ गए हैं। तुम सही में कानपुर गए सुबह सुबह? आ गए थे जल्दी, किस ले गए थे? मुझे लगा था कि शायद उसी के ले गए, भाई को लेते जाते। क्या बजे गए थे? अभी लोग 4 बजे गए, सुशील गया 6 बजे है। पहले फिलहाल अभी मैं तो आ गया गुड्डू नास मतलब कानपुर से, पता नहीं कब गया कब चला आया, 6 बजे गया अभी आ गया 9 बजे। तो फिर अभी मेरा नाश्ता हो गया, चलते हैं, टाइम ज़्यादा 9:15 बजने वाला है और डॉक्टर बैठ चुके हैं, तो चलिए मिलता हूँ मैं। तो अभी तो हम क्लिनिक में 10 बज रहा है, आ गया था मैं चिल्ला रहे डॉक्टर साहब। तो अभी 10 बज रहा है, 9:30 बजे में आया था और यहाँ पर भीड़ लग गई थी काफ़ी, क्योंकि 9 बजे बैठ जाते हैं, आधे घंटे में काफ़ी बच्चे आ जाते हैं। रवि आ गया था सुबह सुबह 7:30 बजे, उसको पता नहीं था कि रवि आएगा। रवि आ गया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जो मेरा काम है सारा रवि कर दिया, वो अभी भी वो कर रहा है, सारे दवा निकाले, अभी ऑर्डर तैयार कर रहा है। तो सारे जितना सुशील का जितना काम है वो रवि आज कर रहा है। और दिखाता हूँ जो ऑर्डर बना रहा है, मतलब ऑर्डर का मतलब है दवा लिखते का, उनका नाम, उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है,
उसको मतलब इसको ऑर्डर बोलते हैं, और अकेश उधर इंजेक्शन। अभी नहीं आता, ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, दवा निकालना, ऑर्डर बनाना, बिल बनाना, तो मेरा बिल बनाता है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अभी आ गया तो सारे काम कर दिए। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, अभी शाम के बज रहे हैं 6:15 है, और हमारे घर में अभी भी सीरियल चल रहा है 6 बजे। मम्मी शारदा दोनों लोग 3 बजे से टीवी चल रही लगातार, खाना वाना खाने के बाद मम्मी शारदा और पापा तीनों लोग लेटे रहे और आराम से टीवी चल रही थी। 3 घंटे 3-3.5 घंटे होने वाले और टीवी चल रही लगातार। अभी भी मम्मी शारदा सीरियल देख रही, पापा जी पता नहीं कहाँ निकल गए। गुड्डू तो हमारा उसके समय वर्कआउट करने के बाद खाना चाहिए ना उसको प्रोटीन, तो वो ले रहा है। चलिए मैं मिलाता हूँ। ये देखो इसका खाना चल रहा है, खत्म हो चुका है। और सुबह कहाँ चले गए थे तुम? चलिए आ भी गए, मतलब मेरे तैयार होते होते आ गए, तभी तो दिन भर सोए। तो फाइनली अभी 7 बज रहा है और हमारे घर में चाय पीने का समय हो गया है। अभी पापा जी सब्जी लेके मतलब मार्केट से सब सामान लेके आ गए किचन का सारा। जब पापा आते हैं तो पापा सारा काम करते हैं, क्लिनिक का भी नाम भी लिख लेते हैं और घर का भी कमा, तो हम लोग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तभी पापा आए, गुड्डू इधर, थौर और ये शारदा। सुशील आ गया उधर, वो सो रहा है, सुबह गया था ना जल्दी तो 4 बजे मुझे पता भी नहीं था आ गया, वो आ गया सो रहा है। चलिए चाय पी लेते हैं फिर। ए फ्रेंड्स, तो अभी रात के बज रहे हैं 10:15 और फाइनली चिकन बन के रेडी हो गया है। तो टाइम लग जाता है बनते बनते, हमारे घर में 10:30 समथिंग ऐसा हो जाता है, तो अभी बन के रेडी हो गया। और आज ये चिकन बना सिर्फ पापा जी के लिए, क्योंकि पापा 2 महीने से चिकन नहीं खा पाए हैं। उनकी तबीयत जब 2 महीने पहले ख़राब हो गई थी तो उनको डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। पहले एक बार ख़राब हुई तो उनका पेट की दिक्कत थी, फिर भी अदरवाइज दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तो पूरी तरह से उनको चिकन मसाले वाला खाना एकदम बंद हो गया था। तो अभी वो एकदम ठीक हो गए, तो उनके लिए आज स्पेशली उन्हीं के लिए चिकन बना है। तो ये पूरा रेडी हो गया है, शारदा ने बना दिया है, तो आइए देखते हैं कैसा बना हुआ है। आओ जी देखिए, हमारे तरह का 2 तरह के बनता है जी। हम लोग खाएंगे, मैं शारदा सुशील नहीं खाएगा, और ये है, और ये सिर्फ मम्मी के लिए क्योंकि मम्मी मिर्च वाला नहीं खाती ना। 3-3 जगह आज ये पापा के लिए, पापा तुम्हारे लिए, ये पापा मेरे लिए है। तो 3 जगह आज 3 हिस्से में बना हुआ है, ये चावल है और ये रोटी है और ये। तो अभी सिर्फ 2 ही लोग ने खाया, अभी गुड्डू खाने जा रहा है, सुशील खा रहा है, तो 2 लोग। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ, हाँ सोच के मैं भी खाना खाऊंगा, क्योंकि मुझे 11 बजे से पहले लेटना रहता है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं से एंड कर देते हैं। वीडियो को अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।